Hello and welcome to my channel Econ Academy. This video is in Urdu version. You can watch its English version from the link given below in the description. Assalamu alaikum dosto. इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा. पहला ये कि हम हेट्रोस्केडास्टिसिटी किस तरह डिटेक्ट करते हैं, और दूसरा ये कि जब हमारे पास मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी हो तो हम उसको किस तरह रिमूव करते हैं. तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. हेट्रोस्केडास्टिसिटी के लिए सबसे पहले हम रिग्रेशन रन करेंगे, जिसे हम OLS भी कहते हैं. उसमें सबसे पहले हम डिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे. फिर हम ओपन एज इक्वेशन में चले जाएंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये GDP है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और ये सी जो है ये इंटरसेप्ट टर्म है. मेथड में यहाँ पर हम ls और लीस्ट स्क्वेयर इस्तेमाल करेंगे, ls-least square, और हम ये सेलेक्ट करके ls-least square सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर लेंगे. ये हमारे पास OLS के रिजल्ट्स है, इसके हम रिग्रेशंस के रिजल्ट्स भी कह सकते हैं. ये डिपेंडेंट वेरिएबल GDP और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. हेट्रोस्केडास्टिसिटी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम ने रिग्रेशन रन किया, उसके बाद अब हम व्यू में चले जाएंगे. व्यू में आ जाएंगे हम रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स में, और रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स में हम हेट्रोस्केडास्टिसिटी टेस्ट में चले जाएंगे. यहाँ पर हमारे पास 5 डिफरेंट तरीके के टेस्ट है हेट्रोस्केडास्टिसिटी के लिए. सारे तकरीबन एक जैसे रिजल्ट्स देते हैं, तो हम कोई भी चेक कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है कि नहीं. हम सबसे पहले हम पहला ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रश पगान गॉडफ्रे टेस्ट, और हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं. यहाँ पर हमारा कंसर्न ये ऑब्जर्व्ड आर स्क्वेयर और इसकी सामने जो प्रोबेबिलिटी है काई स्क्वेयर की, हमारा ये कंसर्न है. हम हमारा डिसीजन मेकिंग इस पर होगा कि हमारे डेटा में मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है कि नहीं. यहाँ पर नल हाइपोथेसिस हमारा है कि देयर इज़ नो हेट्रोस्केडास्टिसिटी इन द मॉडल, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि देयर इज़ हेट्रोस्केडास्टिसिटी इन द मॉडल. सो यहाँ पर इस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस डिज़ायरेबल है. तो हम यहाँ पर सेलेक्शन की जो है वो हम इस प्रोबेबिलिटी पे करेंगे कि अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.05 या 5% से कम हो तो हम कहेंगे कि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस के इस मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के इस मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है. नल को रिजेक्ट कर लेंगे अगर 5% से या 0.05 से ये प्रोबेबिलिटी कम हो, और अल्टरनेटिव को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे इस मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी होगी. तो और अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.05 या 5% से हो या उससे ज़्यादा हो तो फिर हम नल को एक्सेप्ट कर लेंगे कि दैट देयर इज़ नो हेट्रोस्केडास्टिसिटी इन द मॉडल, कि मॉडल में कोई हेट्रोस्केडास्टिसिटी नहीं है, मॉडल ठीक है. और अगर ये और अल्टरनेटिव को हम रिजेक्ट कर लेंगे. सो हम अगर 0.05 से कम हो तो हम कहेंगे कि मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है, और अगर 0.05 से ज़्यादा हो या 5% से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी नहीं है. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 0% है, या इसे हम 0 भी कह सकते हैं. तो इसका ये मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे कि इस मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है, सो जो कि डिज़ायरेबल नहीं है.
हम इसको रिमूव करेंगे। सो इस वीडियो में अभी तक हमने ये किया कि हमने हेटरोस्केडास्टिसिटी फाइंड कर ली है, तो जो इस मॉडल में हेटरोस्केडास्टिसिटी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस हेटरोस्केडास्टिसिटी को हम रिमूव किस तरह करेंगे। यहाँ पर हमारे पास की ये है कि हम इसको इसको रिमूव करने के लिए की ये है कि हम सारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम रिग्रेशन रन करेंगे और दोबारा चेक करेंगे तो हेटरोस्केडास्टिसिटी रिमूव हो चुकी होगी। तो हम कन्वर्ट ऑल वेरिएबल्स इनटू लॉग फॉर्म, तो हम सारे वेरिएबल्स को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। हम यहाँ पर वापस व्यू में एस्टिमेट आउटपुट में चले जाएंगे। यहाँ पर हम ये वही हमारा प्रीवियस जो टेबल था ओएलएस का, ये वही है। तो हम इसमें एस्टिमेट में चले जाएंगे और यहाँ पर सारे वेरिएबल्स के साथ लॉग लिख लेंगे और ब्रैकेट में वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स को हम ब्रैकेट में कर लेंगे। लॉग जी डी पी, लॉग जी एस, लॉग ब्रैकेट आई, लॉग ब्रैकेट इम्पोर्ट्स, लॉग ब्रैकेट एक्सपोर्ट्स। हम कांस्टेंट टर्म को जो सी हमारे पास है इंटरसेप्ट टर्म, ये इसको हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हम ये सारे वेरिएबल्स, हमने सारे वेरिएबल्स को के साथ लॉग लिख लिया और वेरिएबल्स को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये कमांड हमारे क्या करता है, ये कमांड सारे वेरिएबल्स को हर वेरिएबल को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद रिग्रेशन रन करता है। तो हम यहाँ पर जब ओके क्लिक कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके रिग्रेशन रन करेगा। तो हम ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसके साथ भी ये लॉग आ गए और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ भी लॉग आ गया है। अगर आप ये लॉग यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू कन्वर्ट वेरिएबल्स इनटू लॉग फॉर्म, आप वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये लॉग डिस्प्ले नहीं होगा। अब हमने सारे वेरिएबल्स को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि हेटरोस्केडास्टिसिटी रिमूव हो चुकी है कि नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे व्यू में और व्यू से दोबारा हम रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स में चले जाएंगे और हेटरोस्केडास्टिसिटी टेस्ट में हम वही वाला टेस्ट ब्रश पगान गॉडफ्रीड सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारा जो कंसर्न था डिसीजन मेकिंग, वो हमने इस प्रोबेबिलिटी पे किया था जो कि पहले 0% थी। और हमारा की ये था कि अगर ये प्रोबेबिलिटी 0% हो, 0.05 या 5% से कम हो तो हम कहेंगे कि इस मॉडल में हेटरोस्केडास्टिसिटी है। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.05 या 5% से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि इस मॉडल में हेटरोस्केडास्टिसिटी नहीं है, मतलब इस मॉडल में ये हेटरोस्केडास्टिसिटी वाला प्रॉब्लम नहीं है, मॉडल ठीक है। तो अगर हम हाइपोथेसिस के बेस पे कहें तो हम कहेंगे कि अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.05 या 5% से कम हो तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे।
और अगर ये 0.05 या 5% हो या उससे ज़्यादा हो तो हम नल को एक्सेप्ट कर लेंगे कि इस मॉडल में कोई हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी पहले 0% थी, अब ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये प्रोबेबिलिटी 0.22 हो गई है, इसको हम 22% भी कह सकते हैं, जो कि 0.05 या 5% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इस मॉडल में जो हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम था वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से रिमूव हो चुका है, अब इस मॉडल में अब हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो में यही था दोस्तों, मैंने इस वीडियो में दो चीज़ें आपको बताई है, एक पहला हेटेरोस्केडास्टिसिटी किस तरह डिटेक्ट करते हैं, और दूसरा जब हेटेरोस्केडास्टिसिटी डिटेक्ट हो जाए तो फिर हम उसके लिए लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं और वो रिमूव हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।